संधि के हमने दो प्रकार देखे हैं। पहला देखा था स्वर संधि, दूसरा देखा था व्यंजन संधि और अभी हम देखें तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब यहाँ पर ये जो दो दिए हैं इसे कहेंगे विसर्ग। इस विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है या फिर बदलाव होता है उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग होना बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं पय प्लस द, तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग के बदले हम यहाँ पर देंगे ये एक काना एक मात्रा यो मतलब पयोग। तो यहाँ पर हम विसर्ग जब संधि बनाते हैं तो उस वक्त ये विसर्ग नहीं देंगे। विसर्ग संधि के कुछ नियम है, उसमें पहला नियम है विसर्ग का ओ होना। ओ होना मतलब यदि विसर्ग के पहले अ ये अस्वर आए या फिर किसी वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण तथा य र ल व और ह वर्ण आए तो उसके बदले विसर्ग आए तो वहां पर ओ बनता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं मल प्लस अनुकूल, यहाँ पर न के बाद विसर्ग आया है, इस विसर्ग के बदले हम यहाँ लिखेंगे एक काना एक मात्रा मतलब ओ। इस न को हम ओ ये स्वर लगाएंगे और शब्द बना मनोनुकूल। दूसरा यहाँ पर विसर्ग संधि का नियम है विसर्ग का र होना। तो विसर्ग के बदले हम र का इस्तेमाल कब करेंगे, तो देखो यदि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न स्वर, भिन्न मतलब अलग दूसरा स्वर आए तो विसर्ग का र बनता है, मतलब विसर्ग का र में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं नी प्लस धन, नी के बाद यहाँ पर विसर्ग आया है लेकिन अ और आ से भिन्न स्वर यहाँ पर ई लगा है, ह्रस्व ई मतलब पहली ई लगी है, इसीलिए विसर्ग के बदले हम यहाँ पर र लगाएंगे और शब्द बना निर्धन। दूसरा उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं दू, दू प्लस गुण, दू के बाद यहाँ पर विसर्ग लगा, द को उकार लगा मतलब अ और आ से भिन्न स्वर है, अलग स्वर है, इसीलिए विसर्ग के बदले हम यहाँ पर र लगाएंगे और यहाँ रेख में दुर्गुण ये शब्द बना है। विसर्ग के हमने दो नियम देखे हैं और अभी यहाँ पर तीसरा नियम है विसर्ग का श होना। तो श कहाँ लगता है, तो विसर्ग के बाद अगर च छ और श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं नी चल, तो नी के बाद यहाँ पर विसर्ग आया है और उसके बाद च, इसीलिए यहाँ विसर्ग के जगह श लिखेंगे और शब्द बना निश्चल। हमारा चौथा नियम है विसर्ग का स होना। विसर्ग के बाद अगर त और स हो तो वहां पर विसर्ग के बजाय हम स लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं नम प्लस ते, नम मतलब म के बाद यहाँ पर विसर्ग आया है और उस विसर्ग से हम यहाँ पर लिखेंगे स मतलब नमस्ते। दूसरा उदाहरण देखेंगे नी संतान, नी के बाद यहाँ विसर्ग है उसके बाद स आया है इसीलिए विसर्ग के बजाय हम यहाँ लिखेंगे स, तो नी संतान ये शब्द बना है। और विसर्ग का हमारा अंतिम नियम है विसर्ग का श होना। तो विसर्ग के पूर्व अगर ई और उ ये स्वर आए, बाद में क ख ट ठ प फ इनमें से वर्ण आए,
तो वहां पर विसर्ग का श बन जाता है। जैसे कि यह उदाहरण लिखा है नी प्लस कलम, नी के बाद यहाँ विसर्ग है, लेकिन विसर्ग के बाद यहाँ पर क वर्ण आया है। क वर्ण आने के कारण विसर्ग के बजाय हम यहाँ लिखेंगे श, तो शब्द बना निष्कलम। तो आज हमने यहाँ पर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सभी नियम देखे हैं। विसर्ग में ओ होना, र होना तथा श होना, स होना और अंतिम यहाँ पर श होना, ये कैसे लगते हैं, ये सभी नियम हमने आज देखे हैं।